हेलो फ्रेंड, जो लोग भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसे सभी पैसेंजर्स के लिए आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दो तीन जरूरी खबरें सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर जान लेते हैं, जो कि कोलंबो एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोलंबो का रत्मलाना एयरपोर्ट जो कि 54 साल से बंद था, इस एयरपोर्ट को अब यहाँ पर 54 साल के बाद पूरे तरीके से चालू कर दिया गया है। यदि आप भारत से भी इस एयरपोर्ट पर आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए कोलंबो का ये नया एयरपोर्ट फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है, जो कि 27 मार्च से हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को इस एयरपोर्ट से उड़ाने ऑपरेट हुआ करेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर विजयवाड़ा एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट की तरफ से अब यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि इस एयरपोर्ट से अब यहाँ पर दुबई, सिंगापुर और अरब कंट्री के लिए फ्लाइटें डायरेक्ट चालू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इस एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन कोविड की वजह से इस एयरपोर्ट से फ्लाइटें बंद कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर इसको लेकर ये जानकारी सामने आ चुकी है कि इस एयरपोर्ट से अब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इंटरनेशनल फ्लाइटें फिर दोबारा से चालू होने जा रही है। इसके साथ साथ बात करें इथोपियन एयरलाइंस की, तो इथोपियन एयरलाइंस की तरफ से आज यहाँ पर लेटेस्ट ट्वीट करके ये जानकारी शेयर की गई है कि वो अब यहाँ पर 26 मार्च से दिल्ली, मुंबई और इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट से इथोपिया के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइटों की बुकिंग चालू कर चुकी है। जो लोग भी इथोपियन एयरलाइंस की इन फ्लाइटों से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, ऐसे सभी पैसेंजर्स के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट से फ्लाइट की बुकिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह है कि भारत सरकार ने अब पूरे 2 साल के बाद अपने रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को 27 मार्च से चालू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसको देखते हुए अब यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों ने भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को चालू कर दिया है। और इसके साथ साथ कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने भी भारत से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटों की कैपेसिटी को बढ़ाना चालू कर दिया है। तो दोस्तों, ये दो तीन लेटेस्ट अपडेट आ रही थी आप सभी लोगों के लिए, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिली है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और एयरलाइंस ट्रैवलिंग से आने वाली और भी लेटेस्ट खबरों की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।